Hello students, hi, welcome back to my channel Learning with Divya. Today we talked about National Family Welfare Programs. हम National Health Programs पढ़ रहे हैं. ये आज part second है जिसमें मैं आपको National Family Welfare Program पढ़ाऊँगी. इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया है मैंने part one इसका, उसमें मैंने आपको immunization से related program पढ़ाया है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिएगा. आज हम बात करेंगे National Family Welfare Program, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आप सभी जो हैं इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. अगर बात करें तो 125 करोड़ से भी ज़्यादा है, ठीक है? अगर वर्ल्ड में बात करें तो भारत जो है वो आपके सब जानते हैं कि चीन के बाद जो है सेकेंड नंबर पर आता है हमारा देश पॉपुलेशन की ग्रोथ में, पॉपुलेशन वाइज में, ठीक है? और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो विश्व का जो है अगर कुल भूमि टोटल लैंड की बात करा जाए तो 2.4% जो है हमारे इंडिया के पास है लैंड, और हमारे देश में जो है पूरे विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है. अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में 100% पॉपुलेशन है तो उसका 15% तो केवल हमारे इंडिया में है. हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चीन के बाद बहुत ज़्यादा नंबर पर है, ठीक है? और अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सामना हमारा देश कर रहा है, मतलब जनसंख्या विस्फोट. तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए जो प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है वो है आपके राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले जो था आपके जो कार्यक्रम था ये परिवार नियोजन के नाम से था, फैमिली प्लानिंग के नाम से. तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को जो है आपके 1953 में स्टार्ट किया गया था, और 1971 में आपके एक एक्ट आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है? जो किसके लिए था, जो आपके इलीगल मेडिकल अबॉर्शन कराए जाते हैं उसके रिलेटेड था. 1977 में जो था इसको फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है इसको बदल के 1977 में फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम कर दिया गया, मतलब परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया. पहले इसका नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है? तो और ये जो आपके कार्यक्रम है ये कहाँ चलाया जा रहा है, मेनली कहाँ चलाया जाता है, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाता है, क्योंकि हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वही जनता को इस कार्यक्रम की सारी सेवाएं प्रदान कराते हैं, ठीक है? तो इस कार्यक्रम को करने के लिए जो लोग इन्वॉल्व किए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो एलिजिबल कपल्स होते हैं, ठीक है? एलिजिबल कपल्स क्योंकि फैमिली वेलफेयर है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मेल सेक्शन को भी देनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन फीमेल सेक्शन को भी देनी है. तो फीमेल जो होती है एक दंपति होता है, मतलब मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ का पूरा है, तो वो मेल जो है वो मेल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फीमेल्स फीमेल्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? और रजिस्टर तैयार करते हैं, रजिस्टर का रखरखाव करते हैं, इसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब गर्भ निरोधक है, उसका उसको बांटते हैं, या उसको किस तरीके से IUCD वगैरह जो है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस उसको लगाते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और जो भी नसबंदी है मेल वैसेक्टॉमी फीमेल ट्यूबेक्टॉमी वो भी सब वो लोग करते हैं, और मतलब अंडर अपने अंडर करवाते हैं. तो ये प्रोग्राम चलता है और सबको लोगों को अवेयर भी करते हैं, ठीक है? आपको समझ में आ गई इतनी बात. अब व्हाट आर द सर्विसेज प्रोवाइड इन FWP फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं जो है वो प्रदान की जाती है. देखिए सबसे पहले है गर्भ निरोध के उपायों का प्रावधान. जो भी गर्भ निरोधक हैं, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? और वो सब वो जो आपके कपल्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बता देते हैं, फिर वो उनकी पसंद उनकी चॉइस के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कि हमारे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे देश के अंदर उसमें हम नियंत्रण पा सकें, ठीक है? और जो सेकेंड है वो है आपके MTP मेडिकल टर्मिनेशन, आपके जो एक्ट आया था ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में, MTP अधिनियम आया था 1970 में अपनाया गया था, ये बहुत ज़रूरी था. अवैध गर्भपात जो कराया जा रहा था उसके कारण जितनी भी फीमेल्स की डेथ होती है, जो भी अवैध मतलब तरीके से टर्मिनेट किया जाता है आपके प्रेगनेंसी को, उसमें कहीं ना कहीं जो है कहीं पर फीमेल या तो बीमार हो जाती है या मर भी जाती है, तो उसको रोकने में बहुत मदद मिली जब MTP जो है लीगली कर दिया गया. तो ये भी नियम जो है इसी के अंतर्गत परिवार नियोजन के अंतर्गत अपनाया गया था, ठीक है?
कि ये नियम लगाना चाहिए जिससे कि जो अबॉर्शन वगैरह हो रहे हैं इलीगल उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मातृ और बाल कल्याण या बाल स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का ये सबसे मूलभूत लक्ष्य है कि मातृक और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मतलब मदर की हेल्थ को और जो चिल्ड्रंस है उनकी हेल्थ को बढ़ावा देना। हमारी सोसाइटी में हम हमेशा ही बात मदर और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहे हैं। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बैक की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो स्थिति वो गिर गई वो किसकी गिर गई, आपके फीमेल सेक्शन की गिर गई। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था लेकिन धीरे धीरे जो है जब लोगों में समझ आती गई वहाँ पे फीमेल का सेक्शन बहुत गिर गया। तो उन्हीं को बढ़ाने के लिए जो है हमेशा मातृक सेवाएं, बाल स्वास्थ्य सेवाएं आप पढ़ते हैं वो करी जाती हैं, जिसे आप मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है माँ को और बच्चों को ऐसी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं जिससे उनमें सुरक्षा की भावना जाग सके। ठीक है, या जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसको स्वस्थ जीवन मिले और जो भी फैमिली है, जो भी दंपति है, वो छोटे परिवार का नियम अपनाएं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है, ज़्यादा बच्चे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, माँ को भी नुकसान है, होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को भी नुकसान है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस देना। इसके अलावा मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका मोटिवेशन एंड एजुकेशन, लोगों को अवेयर करने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करना इस चीज़ की। देखिए मोस्टली जो हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है वो अशिक्षा है। ठीक है, अब मैं यहाँ चीन की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं अपनी इंडिया की बात कर रही हूँ। हमारे देश में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक बहुत बड़ा कारण अगर निकल के आता है, नंबर वन कारण निकल के आता है, तो वह अशिक्षा निकल के आता है। हमारे देश में की जो जनसंख्या है जो रूरल एरियाज में वर्क करती है, उनका ये मानना होता है कि जितने हमारे घर में बच्चे होंगे उतने हमारे खेत में काम करने वाले होंगे, पैसा कमाने वाले होंगे। बट वो ये भूल जाते हैं कि पहले जो हम बच्चा हो रहा है उसको पहले तो पैदा करने के लिए पूरा मतलब न्यूट्रिशन माँ को अच्छा चाहिए, उसके बाद बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए, जिस वजह से वो न्यूट्रिशन ना तो माँ को मिल पाता है ना बच्चे को मिल पाता है, तो मदर की जो है आपके डेथ रेट बढ़ती है। फिर हमारे देश में चाइल्ड डेथ रेट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि बच्चे जो है वो आपके माल न्यूट्रिशन के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिस वजह से शिशु मृत्यु दर बढ़ती है। तो इसके लिए उनको मोटिवेट करना कि देखिए पहले तो जो हमारे देश में क्या होता था, जल्दी शादी हो जाती थी, वो भी देर से विवाह करने के महत्व को बताना, बच्चे के बीच में डिफरेंस बताना कि अगर एक बच्चा हो गया है तो कम से कम 4 साल का डिफरेंस होना चाहिए दूसरे बच्चे के लिए, क्योंकि जो एक लेडी होती है जो प्रेग्नेंट होती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो 1 साल लगता है उसकी बॉडी को रिकवर होते होते। ठीक है ना, पूरा 1 साल उसकी बॉडी को रिकवर होते होते लगता है। अगर इस बीच वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो फीमेल कमज़ोर हो जाती है, उसकी जान भी जा सकती है या उसकी बॉडी पर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं जो उसको आगे नुकसान दे। तो इस चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करना कि अगर एक बच्चा आपका जन्म हो चुका है एक बच्चे का, तो कम से कम 4 साल का डिफरेंस रखिए और 2 ही बच्चों को अपनाइए। ठीक है, तो ये सब लोगों में जागरूकता बढ़े इसके लिए मोटिवेट करना, एजुकेट करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि आपके अनुसंधान और प्रशिक्षण परिवार कल्याण सेवाओं को प्रदान करने में जो भी चिकित्सक लगे हैं, जो भी आपके मेडिकल फील्ड से हैं या जो भी लोग लगे हुए हैं उनको ट्रेंड करना। ठीक है, जितने भी सेंटर्स लगाए जाते हैं उन सभी में उनको ट्रेंड करना, ताकि उन्हें जब आप उन्हें अच्छे से ट्रेंड करेंगे तो वो जो सेंटर्स पर लोग आएंगे उनको अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। ठीक है, और उनको इवैल्यूएट भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। 5th जो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, भारत सरकार ने 1979 के अंत तक जो है बर्थ रेट में 30% और आपके 1983-85 में 25% प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। किस में? जेंडर में, बर्थ रेट में। ठीक है, 1979 के एंड तक उन्होंने सोचा था भारत सरकार ने कि 30% कमी आनी चाहिए। ठीक है, 85 तक उनका ये था भारत सरकार का और लक्ष्य कि 25% तक जो है बर्थ रेट में कमी आनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया। अब वो क्यों नहीं हो पाया? वो कुछ तो जो आपके ये सेंटर्स होते हैं जो भी लगाए जाते हैं परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम के लिए, वहाँ पर
कह सकते हैं कि वो लोग अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, प्रॉपर लोगों को नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, या कुछ लोगों में जो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने के अगर उनको कोई परेशानी हो जाती है और उनको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर जो वो यूज़ कर रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं मिल पाता है तो फिर वो उसको छोड़ देते हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज़ ही नहीं करते, इसकी वजह से हो जाता है उनको जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या ठीक है, या सबसे बड़ा कॉज है कि वो इलिटरेट हैं, वो समझना ही नहीं चाहते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें कोई समझाने वाला ही नहीं है, तो इस वजह से भी जो है हमारे देश का ये बहुत बड़ा कॉज है। तो सबसे बड़ी जो ऑल ओवर जो बात निकल के आती है वो बात ये निकल के आती है कि अगर हमें हमारे देश में इस समस्या को कम करना है और परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाना है तो सबसे बड़ा प्रयास जो है वो है लोगों को एजुकेट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, किसकी, आपके हर प्रकार के एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन्हें ये चीज़ समझाना कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसका क्या उनके ऊपर बुरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है, मदर की हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, सब कुछ उन्हें अच्छे से समझाना, और जो नई जनरेशन आ रही है उनको एजुकेट करना हर हाल में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी यहाँ पर ख़त्म होता है और आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप पढ़ते रहिए, कीप इट अप।